बहुत स्वागत है जी सारे विद्यार्थियों का। बहुत खास ते महत्वपूर्ण टॉपिक है, इस टॉपिक ते ही गल करांगे। बहुत छोटी वीडियो है पर टॉपिक ते आले दुआले वीडियो चलेगी। GTE दे प्रोसैस नू लैके है, GTE दे प्रोसैस नू लैके कमर साहब बहुत सारे स्टूडेंट्स दे सवाल आ रहे हैं। सब तो पहला तुहाडा स्वागत भी है और मैं चाहूँगा कि GTE दे प्रोसैस ते जिहड़े सवाल ने स्टूडेंट्स दे, एक बारी उहदा भाव GTE दा पूरा प्रोसैस एक बारी जरूर एड्रैस करियो। देखो जी, आस्ट्रेलिया दा वीज़ा टिकया है GTE ते, वो वीज़ा अंबैसी ते बहुत ज़्यादा नहीं टिकया होया। अंबैसी दे विचों तां कई बार 24 घंटे च रिजल्ट आ रहा, मैक्सीमम 15 दिन च आ रहा, और बहुते केसां च AI ना आ रहा, मतलब कंप्यूटर बेस्ड रिजल्ट आ रहा, ऑटोमैटिक कंप्यूटर कैलकुलेट करके बच्चे नूं वीज़ा दे रहा, बंदा नहीं है उस केस दे उत्ते, वीज़ा ऑफिसर नहीं है उस केस दे उत्ते, सिस्टम डिसाइड कर रहा तुहाडी एप्लीकेशन नूं, क्योंकि जिहड़ा 90% सिनारियो है तुहाडी एप्लीकेशन दा तुहाडे GTE ते टिकिया होया। और GTE दे विच ट्रबल्स इस लई ने ज़्यादा क्योंकि जदों आस्ट्रेलिया शुरू होया बहुत सारी फेक एप्लीकेशन लगी जिहड़ी बाद च अंबैसी च फड़ी गई। सो उस तो बाद अंबैसी ने यूनिवर्सिटियां नूं होर टाइट करता GTE पॉलिसी लई। सो उहदे विच हुण की हो जाता कि जिहड़ी GTE है उहनूं लैके यूनिवर्सिटियां बहुत सख्त ने, वो तुहाडे अकैडमिक वेरीफाई करदियां ने, एक्सपीरियंस वेरीफाई करदियां ने, जिन्नियां बैंक स्टेटमेंटां लाउंदे हो सारियां वेरीफाई हुंदियां ने, तुहाडियां रिटर्नां वेरीफाई हुंदियां ने, फिर तुहाडी इंटरव्यू हुंदियां ने। सो आ जिहड़ा प्रोसैस है ऑटोमैटिकली टाइम कंज्यूमिंग प्रोसैस है। सो ना करदे भी किसी भी यूनिवर्सिटी नूं 1 महीने तो लैके 1.5 तो 2 महीने तक भी GTE क्लीयर करन च लग रहा। सो कितें ना कितें सबर रखना पऊगा और कागज़ जिन्नी तो जल्दी हो सकता उन्नी जल्दी पहुँचाया करो कंसल्टेंट नूं, और कंसल्टेंट भी पहला डिसाइड नहीं कर सकता 100% कि कहड़े कागज़ चाहिए है, यह डिपेंड करेगा किड़े आपां दित्ते आ कागज़ां दे हिसाब नाल, फिर यूनिवर्सिटी उहदे चों की फाइंड आउट करती है और फिर वो साढ़े तो की मंगती है। सो आस्ट्रेलिया दे विच इह प्रोसैस हजे इदां चलूगा क्योंकि वह कहिंदे सियाणे कहिंदे वी दुध दा सड़िया लस्सी नूं वी फूका मारदा। सो आस्ट्रेलिया नूं हजे हुणे हुणे सेक लगा बहुत सारे फेक डॉक्यूमेंट्स का। सो अगले 6 महीने होर सख्ताई रवे या कोई वड्डी गल नहीं, इसलिए जरूरी है कि अपनी एप्लीकेशनस नूं टाइम नाल अप्लाई कर लो, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। ब्रॉडवे नाल अप्लाई करते हो तो सारे पैसे तुसी वीज़े तो बाद दे सकते हो, पूरा केस एक पैकेज के रूप से अप्लाई कर सकते। अगर आस्ट्रेलिया अप्लाई करन दी पढ़न दी सोचदे हो 3 तो 4 महीने पहला अपना केस तुहानू शुरू कर देना चाहिए, कंसल्टेंट दे हत्थां च दे देना चाहिए ताकि वह टाइम नाल एडमिशन फी ट्रांसफर GTE फिर फाइल लॉजमेंट और इनटेक नूं ज्वाइन करा सके। थैंक यू सो मच कंवर साहब, मैनू लगता है बहुत चंगी तरह नाल तुसीं GTE दे प्रोसैस नूं लैके जो कन्फ्यूजन सी उहनूं एड्रैस कीता है, उहदे ते जवाब दित्ता है। स्टूडेंट्स नूं फिर भी कोई कन्फ्यूजन है 90238 90238 ते कॉल कर सकते हो, तुसीं अमरजीत सिंह कंवर उहनां दे नाल राबता बना सकते हो, ब्रॉडवे इमीग्रेशन दे चीफ ने। सो वक् वक् जगह ते ब्रॉडवे इमीग्रेशन दे ऑफिसिस ने, तुसीं ऑनलाइन भी ब्रॉडवे दे नाल अपनी फाइल मूव कर सकते हो, और ऑनलाइन या 90238 90238 ते संपर्क करके किसी भी ऑफिस तुसीं पहुँच सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद कंवर साहब।